ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा ये जून का पार्ट टू होगा, जो कि डिफेंस से हम लोग शुरू करेंगे, जो हमारा डिफेंस टॉपिक है यानी रक्षा। चलिए शुरू करते हैं। तो INS कलिंग में स्थापना की जाने वाली मिसाइल पार्क अग्निपथ है। INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। मिसाइल पार्क एन अग्निप्रस्थ वर्ष 2018-19 के लिए INS कलिंग को प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान करता है। और अग्नि प्रस्थ का लक्ष्य 1981 से अब तक INS कलिंग की मिसाइल इतिहास का झलक देखना है। वहीं अगला जो हमारा है वो है DRDO से रिलेटेड है। तो DRDO ने PPE इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़ों के कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने व्यक्तिगत तो सुरक्षा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कपड़े और अन्य सही सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। तो अल्ट्रा स्वच्छ डबल स्तरित है, जिसमें विशेष ओजोन सिलेंट तकनीक है, जो आवश्यक कीटाणु शोधन चक्र के लिए ओजोन के फंसने का आश्वासन देता है। अभी क्या है अगला कि DRDO ने सुमेर पैक्स विकसित किया। अभी है क्या, देखिए एक टाइप का एक उपकरण है, उन्होंने उपकरण विकसित किया जो पसीना के बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनने पहनने वालों की मदद करता है। इससे पहले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों ने 30 से 45 मिनट से अधिक समय तक PPE पहनने के बाद असहज महसूस किया और पसीना आना शुरू हो गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। और सुमेरा पैक्स में व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली है, जिसका उपयोग PPE के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैकपैक रूप में किया जाता है। यह ध्यान देंगे आप। अगला है केसरी से रिलेटेड। तो केसरी मिशन सागर के तहत सेशल्स से पहुंच गई है। और मिशन सागर के भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज केसरी कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं को सौंपने के लिए सेशल्स में पोर्ट विक्टोरिया पहुंची। और मिशन सागर के तहत भारत सरकार के मित्र देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मिशन SGAR प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है ना। ये अभियान विदेश मंत्रालय और सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में प्रगति पर है, यानी इसको अंदर उसके अंदर चल रहा है। अगला जो है भारतीय वायुसेना को लेकर है। तो भाई भारतीय वायुसेना ने बोल सकते हैं कि निकासी के लिए बचाव फली अर्पित विकसित किया, यानी IFA डेवलप रेस्क्यू पोर्ट अर्पित फॉर इवैक्यूएशन, है ना। तो भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन अर्पित के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट का डिजाइन विकास निर्माण किया है। फली उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र अलग थलग दूरदराज के स्थानों से संक्रमण रोगों सहित गंभीर रोगियों की निकासी के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है। 60,000 की लागत से एक्सपेंडिचर से विकसित की गई ये सिस्टम प्रणाली विमानन प्रमाणित सामग्री से बने हल्के अलगाव प्रणाली के रूप में बनाई गई है। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है GRSE ने ICGS कलकत्ता बरुआ को ICG, जिसको बोल सकते हैं कनकलता बरुआ को ICG पहुंचाया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने IG जैसे बोल सकते हैं ICGS कनकलता बरुआ को भारतीय तटरक्षा बल के लिए फास्ट पैट्रल वेसल्स की श्रृंखला में पांचवी और आखिरी नाव न्यू जिसे बोल सकते नाव वितरित की। GRSE भारत के अग्रणी शिपयार्ड में से एक है, जो वाणिज्यिक और नौसेना जहाजों का निर्माण करता है। और GRSE ने पहले इस श्रृंखला में FPV और ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कोर की डिलीवरी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ की थी। यह ध्यान दीजिएगा विजाग में जिसे बोल सकते हो वाइजेगा बोलते हैं विशाखापट्टनम को। तो हुआ क्या इसको लेकर के वाइजेक में द्वीप जलमग्न बचाव वाहन यानी DSRV परिसर का उद्घाटन किया गया, यानी सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का। विशाखापट्टनम वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा द्वीप जलमग्न बचाव वाहन यानी द्वीप जिसे बोल सकते इमरजेंस रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। इसे नई शामिल पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और बचाव तैयार राज्य में DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दीजिएगा भारतीय नौसेना ने टॉरपीडो डिको सिस्टम मारिच को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह ध्यान दीजिएगा भारतीय नौसेना ने री मारिच नामक एक हम बोल सकते हैं सॉरी फॉर दैट मारिच नामक एक उन्नत एंटी टॉरपीडो डिकाय सिस्टम को शामिल किया है, जो सभी फ्रंट लाइन जहाजों से निकाल दिया जा सकता है। तो मरिच जो है ATDS यानी एडवांस्ड टॉरपीडो डिफेंस सिस्टम एक आने वाले टॉरपीडो का पता लगाने और उसका पता लगाने के लिए होता है।
अगला हमारा ये फाइनेंस से है, इकोनॉमिक से है। देखिए 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर 11% से 4.2% हो गई है, घट गई है हम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल है यानी अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिकल यानी स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 3.1 रह गई, जबकि 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि 11 साल के निचले स्तर 4.2% पे आ गई जो 11 साल पहले थी। 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की विकास दर से थी, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है यस बैंक ने डिश टीवी, क्या है तो यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यस बैंक लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में बोल सकते हैं कि 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यस बैंक ने कंपनी द्वारा ऋण के चूक के बाद शेयरों का आह्वान किया, ये ध्यान दीजिएगा। देश में डीटीएच बाजार में डिश टीवी 40% का वर्चस्व है और इसके बाद टाटा स्काई 25% और एयरटेल टीवी को 22% का है। अगला जो है हमारा मूडीज ने भारत को सॉवरेन रेटिंग को जैसे बोल सकते हैं BA2 से BA3 का रेटिंग दिया है, उस तक घटाया है। ठीक है, पहले BA3 था, BA2 था, फिर BA3 कर दिया है। तो मूडीज एक इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ और असुरक्षित रेटिंग को BAA2 से घटा दिया है और इसकी अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग P2 से P3 कर दिया है और इसने नकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा। मूडीज की रेटिंग अन्य एजेंसी जैसे S&P और फिच के अनुरूप है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा है, केंद्र ने रुपेज को यानी राज्यों को जीएसटी मुआवजा के रूप में 36,400 करोड़ रुपया दिया। केंद्र सरकार ने रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक अवधि के लिए राष्ट्रीय अवधि के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ जो है ये अवमानित किया और अप्रैल नवंबर 2019 के अवधि के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुआवजा देने के लिए पहले ही 1,15,096 करोड़ रुपए जारी किए थे, ये ध्यान देंगे आप। अगला जो हमारा है वो है फिच रेटिंग अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.5% की दर से बढ़ाती है। फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक अगले वित्त वर्ष यानी अगले फाइनेंशियल ईयर 9.5% की दर से बढ़ेगी। इसने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 5% का अनुमान लगाया है और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के संप्रभु रेटिंग को BAA2 से और P2 से P3 को शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग में घटा दिया था। अगला जो S&P ने स्थित दृष्टिकोण के साथ बोल सकते हैं कि आप यहाँ में देख सकते हो स्थिर दृष्टिकोण के साथ या स्थिर दृष्टिकोण के साथ यू नो BBB पर भारत के संप्रभु रेटिंग को बरकरार रखा। तो S&P रिटेन्ड इंडिया सुवर्जन रेटिंग एट BBB विथ स्टॉप स्टेबल आउटलुक। तो S&P ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर भारत की संप्रभु रेटिंग को बरकरार रखा जिसमें कहा गया है कि विकास के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी यानी सॉरी फिस्कल हम बोल सकते हैं स्थिति स्थिर हो जाएगी और 2021 के बाद से ठीक होना शुरू हो जाएगा। S&P ने कहा कि भाई भारत के लिए उसका स्थिर जो है दृष्टिकोण उम्मीद को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के शामिल होने के बाद ठीक हो जाएगी, जिस महामारी खत्म होने के बाद ठीक हो जाएगी और देश में अपनी धवनी शुद्ध बाहरी स्थिति बनाए रखेगा यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। अगला जो है फिच रेटिंग को लेकर फिर से है, फिच रेटिंग दृष्टिकोण को जिसे हम बोल सकते हैं कि स्थिर से नकारात्मक तक नीचे ले जाती है यानी हम बोल सकते हैं फिच रेटिंग डाउनग्रेड्स इंडिया आउटलुक फ्रॉम स्टेबल टू निगेटिव यानी गलत दृष्टिकोण में। तो फिच रेटिंग्स ने देश के विकास और ऋण दृष्टिकोण के लिए बढ़ते जोखिम का हवाला देते हुए न्यूनतम निवेश ग्रेड पर संप्रभु रेटिंग को बनाए रखते हुए भारत के लिए अपनी रेटिंग दृष्टिकोण के स्थिर से नकारात्मक तक संशोधित किया है। उनकी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2015 में सामान्य सरकारी ऋण GDP के 84.5% तक पहुंचने का अनुमान है जो 2015 में था 71.0%। तो अब ये ध्यान देना है कि फिच और मूडी का नकारात्मक दृष्टिकोण है जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग में स्थिर दृष्टिकोण है। स्थिर दृष्टिकोण यानी इंडिया को लेकर खराब उसमें नहीं बताया गया है। अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान को लेकर है। अप्रैल 2020 में न्यूज आई थी, अप्रैल 2020 के महीने के लिए आधार 2011-12 के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का
त्वरित अनुमान 56.3 पर है। अप्रैल 2020 के महीने के लिए खनन विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 78.3 और 45.1 और 126.1 पर है। ये चीज आप ध्यान देंगे। S&P रेटिंग्स ने उसके लेकर फिर न्यूज आई है कि S&P जो रेटिंग्स है उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 21 में 2021 जो आगने आने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% श्रिंक होने का अनुमान लगाया है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है वित्तीय स्थितियाँ रिफ्लेक्टिस्म ऑप्टिमिस्म लॉकडाउन और जिसे हम बोल सकते हैं कि फैटिक इमर्ज है ना, ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5% तक कम करने की भविष्यवाणी की है। इनकी मुख्य विशेषताएं इस रिपोर्ट की कि 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें भारत की विकास दर घटकर 8.5% रह जाएगी और वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि 6.5% और वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5% रहेगी, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है हम लोग गुजरात सरकार को लेकर पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या, गुजरात सरकार को गिफ्ट शहर में IL और AFS की 50% हिस्सेदारी की बिक्री समाप्त को लेकर न्यूज आई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी ILNFC ने गुजरात इंटरनेशनल है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी 50% हिस्सेदारी की बिक्री को समाप्त कर दिया और जिसे गुजरात सरकार की ओर से अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था और 32.71 करोड़ रुपये की राशि, देखिए इस हिस्सेदारी को घटाकर 1230 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तो समूह का मौजूदा बकाया कर्ज लगभग 94,000 करोड़ रुपए है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है जियो प्लेटफॉर्म ने ADIA से 5,683.50 करोड़ रुपए जुटाए हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रविवार को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 5,683.50 करोड़ रुपए में अपनी डिजिटल सेवाओं की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, डिक्लेरेशन की है, क्योंकि इससे उसकी कर्ज घटाने की योजना में तेजी आई है और जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ रुपए का उद्यम मूल्य के साथ है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा है वो किसको लेकर है ध्यान देंगे, यानी ICD ने वित्त वर्ष 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% पर संकुचन की भविष्यवाणी की है। देखिए इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक को जारी कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.7% तक अनुमानित करने की भविष्यवाणी की है। वहीं अगला जो है जून के दूसरे सप्ताह में हम बोल सकते हैं है ना, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम बोल सकते हैं 507.64 अमेरिकी बिलियन के उच्च स्तर तक बढ़ गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून के दूसरे सप्ताह में 507.64 अमेरिकी बिलियन के उच्च स्तर को छूने के लिए बढ़ गया जिससे विदेशी मुद्रा आस्ती यानी FCA में महत्वपूर्ण उछाल आया और विदेशी मुद्रा भंडार ने 5 जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार ₹0.25 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, है ना। अगला जो है कि इंडियन फॉरेन ट्रेड मई 2020 को लेकर, तो अप्रैल मई 2021 में भारत के समय समग्र निर्यात यानी मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज संयुक्त का अनुमान है कि भाई पिछले वर्ष की इस अवधि में -33.66% के नकारात्मक वृद्धि दिखाते हुए यह जिसे बोल सकते हैं कि 61.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर है अप्रैल मई जिसे बोल सकते हैं 2021 में, है ना, कुल मिलाकर आया तो 57.19 बिलियन होने का अनुमान है जो पिछले साल की अवधि में -48.31% के नकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं मई में थोक मूल्य मुद्रा स्फीति यानी हम बोल सकते हैं -3.21% है। तो आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर जो है ना यानी इन्फ्लेशन का मासिक यानी मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित -3.21% अनंतिम और मई 2020 का ये मैं बता रहा हूँ और मई 2019
के महीने के लिए, तो इसी के दौरान 2.79% की तुलना में खड़ा था पिछले वर्ष का जो महीना है मार्च जो है 2020 के महीने के लिए। ऑल कमोडिटीज बेस 2011 से 12 तक 100 के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक मार्च मार्च 2020 के लिए 110 यानी 120.4 फाइनल से घटकर -2.24% 117.7 अनंतिम हो गया है, इंटरिम हो चुका है। अगला है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सीआईआई ने 91 स्ट्रीट एसेंट एंड एपीआई में मैकरेची इन्वेस्टमेंट्स द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 91 यानी 51 स्ट्रीट मीडिया टेक्नोलॉजी और एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन और एपीआई होल्डिंग्स की धारा 31(1) के तहत कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत मैकरेज इन्वेस्टमेंट मैकरेज द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अगला जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई फिच रेटिंग में बीबी में भारत के संप्रभु रेटिंग को बरकरार रखा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया और बीबी के न्यूनतम निवेश ग्रेड में भारत के संप्रभु रेटिंग को बनाए रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि रेटिंग के शीर्ष नकारात्मक डाल दिया गया इनके द्वारा। अगला जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर है, तो इसमें क्या है अभी देखना आपको है ना। एडीबी ने वित्त वर्ष यानी 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4% के अनुबंध की भविष्यवाणी की थी। तो एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4% तक बढ़ाने और वित्त वर्ष 2000 जिसे बोल सकते हैं 22 है ना, वित्त वर्ष जिसे आप बोल सकते हो एक तरीके से वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में वापस उछाल और 5% बढ़ने की भविष्यवाणी की है। अगला जो है IRIL 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पहले भारतीय कंपनी बन गई है। तो इसमें क्या है देखिए, मुकेश अंबानी हेलमेट वाले रिलायंस इंडस्ट्री जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें क्या है कि बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला जो हमारा है वो है फेसबुक जियो से रिलेटेड। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जदयू होल्डिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं सॉरी फॉर दैट जादू होल्डिंग्स LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्मों में 9.9 जिसमें बोल सकते हैं 99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो CCI ने जादू होल्डिंग्स LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ध्यान दीजिएगा। और जदू फेसबुक की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ये ध्यान देंगे आप। अप्रैल के अंत में भारत अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। तो 157.4 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकार प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। मूडीज को लेकर फिर न्यूज आई है कि भाई मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.1% सिकुड़ने का यानी श्रिंक होने का अनुमान लगाया है। हालांकि मूडी ने 2021 में जिसे हम बोल सकते हैं 6.9% वृद्धि दर्ज कराने की अर्थव्यवस्था को उम्मीद है उनके द्वारा, मतलब ऐसा उनको है कि ऐसा हो सकता है। IMF का देखिए क्या है रुख इंडिया की तरफ, IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021 में 4.5% तक अनुबंधित हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जून 2020 के विश्व आर्थिक आउटलुक के पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4.5% विस्तारित कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अनुबंध करेगी। अगला है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो चक्रवात निसर्गा को लेकर न्यूज है। तो क्या है देखिए, निसर्गा चक्रवात ने दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र का गठन किया था। निसर्गा नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। भारत के मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर महाराष्ट्र और गुजरात में महसूस किया जा सकता है। मुंबई और गोवा में डॉपलर वेदर रडर्स का उपयोग चक्रवाती तूफान को ट्रैक करने के लिए किया गया था। इससे पहले सुपर चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल उड़ीसा और बांग्लादेश को टक्कर दी थी, वहाँ पर ये आई थी। अगला है मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाला दुर्लभ बैंड वाले भिक्षु का जिसे बोल सकते हो पाया गया है, ऐसा मिला है। तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने तमिलनाडु की सेथुकराई तट से मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ मछली पाई है। पहली बार भारतीय जल में पाए जाने वाले बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश
यानी जिसको बोल सकते हैं स्कॉर्पैनोस्फिस नेगलेक्टा थे, जो मछली चुभने वाले जहरीली रेड रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिस विष होते हैं। अगला है, 2021 तक अमेरिकी आइस शेल्फ में 24% की वृद्धि हुई है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने भविष्यवाणी की थी कि 2021 तक अमेरिकी आइस शेल्फ का विस्तार 24 दशमलव, जैसे हम बोल सकते हैं 24% है। NCPOR द्वारा की गई भविष्यवाणी 16 साल के उपग्रह आधारित अवलोकन पर आधारित है, जो 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अगला जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गिर वन में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% की वृद्धि हुई। गुजरात वन विभाग के अनुसार गिर वन में राजसी एशियाई क्षेत्र की जनसंख्या 28.87% से बढ़कर 674 हो गई है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है, ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन ने 5 वर्षों में सबसे अधिक वनों की कटाई की जो है सूचना दी है। अमेजन वर्षा वन ने 5 वर्षों में होने की कटाई का उच्चतम स्तर देखा, जो कि मई में रिकॉर्ड 829 वर्ग किलोमीटर, जो 2015 के बाद से उच्चतम मासिक स्तर है, यह लगाया गया है ना, कि अवैध लकड़हारे और रैंकरों द्वारा जंगल का विनाश 85% बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई मछली की प्रजाति, इस चीज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे। हुआ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। डॉक्टर केशव कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख जियोलॉजी विभाग जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट ने जीनस सीजोथोरेक्स से एक नई मछली के प्रजाति का खोज किया है, और इस प्रजाति को सीजोथोरेक्स सिचुयूरोमेनेसिस नाम दिया गया है ना। अगला जो है, इंडियन गौर और बाइसन, बॉस गोरस फेसिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन का सामना कर रहे भारतीय गौर या बाइसन, बॉस गोरस हम बोल सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने अनुमान किया है कि भारतीय गौरों में दुर्लभता का कि दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति जिसे हम बोल सकते हैं देखी जाती है। ल्यूसीजम पशु की त्वचा के पैटर्न में रंजकता के आंशिक नुकसान का कारण बनता है, यह जानवरों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ल्यूसीजम जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता कर सकता है और उनकी जीवित रहने की दर को कम कर सकता है ना। अगला जो है उसके बारे में देखते हैं, सहारनपुर से क्या है कि खोजे गए स्टे गोल्डन फॉसिल का इससे 5 से 8 मिलियन वर्ष पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। वन्य अधिकारियों और वन्य जीव संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक संयुक्त टीम ने सहारनपुर से स्टोगन फॉसिल की खोज की है ना। स्टोगन हाथी जीवाश्म की किस्म जो कम उम्र में पाया जाता था। अगला जो है वो है अंटार्कटिका से खोजे गए 68 मिलियन, सॉरी 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे को। अंटार्कटिका के तट से दूर सिमोर द्वीप पर वैज्ञानिक ने 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे की खोज की। इसे अंटार्कटिकुलिथस ब्रेडी कहा जाता है और लेट क्रेटिशियस अवधि के अंतर्गत आता है, और यह विशाल नरम खोल वाला अंडा खंडित फुटबॉल जैसा दिखता है। ठीक है, मोसाउरस की एक बड़ी समुद्री सरीसृप की विलुप्त प्रजाति है, जो अंटार्कटिका में डायनासोर युग में रहते थे, है ना। जो है महत्वपूर्ण दिन है उसके बारे में देखेंगे। माता पिता 2020 का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स ऑफ 2020, माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला जो वर्ल्ड मिल्क डे 2020, विश्वा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2020 को मनाया गया, या 2001 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2020 की थीम विश्व युग दिवस दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और दिन को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध को महत्व पहचानने के लिए स्थापित किया गया था, है ना। अगला जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020, 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और थीम क्या था इस साल का, युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना, है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला जो है विश्व साइकिल दिवस, तो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, मैं ध्यान देंगे। और 3 जून 2018 को पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, है ना। और अगला जो हमारा न्यूज़ है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है ना। इस साल का जो थीम था जैव विविधता था, यानी बायोडाइवर्सिटी था, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला जो है,
कि अग्रेशन 2020 के मासूम बच्चे पीड़ित को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मासूम बच्चे पीड़ित का हर साल 4 जून को मनाया जाता है, यानी इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020। अगली जो है 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, और मैं बता दूं आपको कि 7 जून 2020 को मनाया जा गया है दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को मनाया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस साल का जो विषय था एक सतत महासागर के लिए नवाचार यानी इनोवेशन ऑफ द फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन को लेकर था, है ना। अगला है विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 9 जून को मनाया जाता है यानी वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। तो विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिशन डे 9 जून को प्रत्यायन सुधार खाद्य सुरक्षा विषय के तहत मनाया गया, यानी थीम था इस साल का। क्या थीम था? एक्रेडिशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और विश्व प्रत्यायन दिवस एक वैश्विक पहल में अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच है, है ना, यानी इंटरनेशनल एक्रेडिशन फॉरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। अगला है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व 12 जून, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ, है ना, अब विश्व दिवस ग्रुप में मनाते हैं। बाल श्रम 2020 के खिलाफ विश्व दिवस बाल श्रम पर संकट के प्रभाव पर केंद्रित था। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला विश्व रक्तदाता दिवस को लेकर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ना 2020। तो विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रक्तदान दिवस 2020 का विषय इस साल था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स, है ना, और ब्लड डोनेशन डे 2020 का नारा है ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दी प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस भी जो है मनाया गया है। ये क्या है भाई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन अल्बिनिज्म के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और अल्बिनिज्म के साथ व्यक्तियों के खिलाफ हमले और भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। ग्लोबल विंड डे 2020। तो ग्लोबल विंड डे एक विश्वव्यापी घटना जो सालाना 15 जून को होती है, और ये और ध्यान देना है भारत सरकार ने 2030 तक 450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक एस्पायरेशनल एम रखा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगला है विश्व भर में 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम था लिफ्टिंग ऑफ वॉइस था, और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 67 यानी ऑब्लिग 187 दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा एल्डर एब्यूज के निवारण के अनुरोध के बाद आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस, इसको लेकर भी एक न्यूज़ आई है। क्या है देखते हैं। परिवार के प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 मनाया गया। यह हर साल इस पर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था प्रेषण एक जीवन रेखा है, है ना। इमिग्रेशन यानी हम जिसे बोल सकते हैं रेमिटेंस आर अ लाइफ लाइन। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड जिसे बोल सकते हैं ड्राउट 2020। हर साल 17 जून को विश्व दिवस के रूप में मरुस्थलीकरण को सूखा मनाया जाता है, जो जिसको बोल सकते हैं कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जाता है। और इस साल हम बोल सकते हैं क्या विषय था जिसे हम बोल सकते हैं फूड फीड फाइबर, है ना, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, यानी विषय जिस तो था खाद्य फीड खिंचाव उपभोग और भूमि के बीच संबंध है, ये था। और अगला जो है जो न्यूज़ था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष विवरण हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को एक संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्र को मनाया जाता है, और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व 18 जून। अभी क्या है देखिए, ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों में आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। ऑटिस्टिक प्राइड डे न्यूरो डाइवर्सिटी के लिए समर्पित है और व्यक्तिगत अंतर को अलग अलग करने के बजाय अलग करने के बजाय जश्न मना रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अगला जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल का थीम था हर एक कार्य गिना जाता है, यानी एवरी एक्शन काउंट्स, है ना। अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, और जैसे आप फेते डे ला मास्की मनाया जाता है, आप संगीत दिवस भी बोल सकते हैं। वार्षिक उत्सव है, 1981 में स्थापना हुई थी, जैक लेंग और मॉरिस फ्लाइट द्वारा की गई थी, है ना। इस चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगला जो है 21 जून को, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया। तो योग का छठा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून 2020 को मनाया गया है। इस साल का विषय था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ऐसा बोला गया था। अगला है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020, है ना। क्या है, देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को वार्षिक रूप से मनाया जाता है, और जैसे बोल सकते हैं इस साल का थीम था हाइड्रोग्राफी सक्षम स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम बना, यानी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमियस टेक्नोलॉजीज, ये थी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2020 को भी लेकर न्यूज आई है। क्या देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2020, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2005 में लोम्बा फाउंडेशन शुरू किया गया था। अगला जो है विश्व ओलंपिक, है ना, तो विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 1948 में पेरिस में सोरबेन में 23 जून 1984 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके तीन स्तंभ है, हटो जानो और खोज, यानी इसके तीन स्तंभ क्या क्या है। अच्छा, थीम क्या है, आई एम जनरेशन जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ओलंपिक डे, तो ये तो हो चुका है हमारा। तो अगला जो है उसके बारे में देखते हैं, वर्ल्ड ओलंपिक डे नहीं, अगला जो है, या तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। 1948 में मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की स्थापना की गई थी। नशीली दवाओं और दुरुपयोग का जो है इसको लेकर अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इस साल का विषय था कि भाई विषय विश्व दवा समस्या के समय सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए बेहतर ज्ञान के लिए बेहतर ज्ञान, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं, द थीम फॉर 2020 इज बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला जो है हमारा, हम जिसे बोल सकते हैं सिफर 2020 का भी है न्यूज, सीफेरर, सीफेरर 2020 का दिन 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष ने दिन को 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है, और अभियान जो था जिसमें बोल सकते हैं द कंपेन फॉर 2020 सीफेरर की वर्कर्स, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो सेलिब्रेट करने का डिसीजन जो था वो लिया गया था इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2010 में, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, बाकी का लेक्चर अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।